नमस्कार, मैं हूं करण और मैं अभी यमुनानगर में हूं और ये सहारनपुर जंक्शन की दिशा है और बीच में यमुना नदी है और इधर यमुनानगर जगाधरी रेलवे स्टेशन है और ये इधर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लेकर यहां पर कार्य चल रहा है। और देखिए सामने बोर्ड भी लगा हुआ है और ये ड्रिलिंग रिग मशीन यहाँ पर लगी हुई है। असल में यहाँ अब एक ब्रिज बनाया जाएगा DFC वाले ट्रैक के लिए जो आगे जाएगा सहारनपुर की दिशा में और ये अम्बाला की दिशा से आएगा। असल में लुधियाना से आएगा, ये लुधियाना से DFC स्टार्ट होता है और फिर सहारनपुर मुजफ्फरनगर मेरठ के रास्ते आगे ये DFC जाएगा। और ये यमुनानगर में DFC का अलाइनमेंट ये रहा जहाँ एक कार खड़ी हुई है। देखिए ये DFC के लिए ही है और आगे फिर ये इधर एक ब्रिज बनेगा, रेल ब्रिज, उसी के लिए ड्रिलिंग रिग मशीन लगी हुई है। अभी पिलर्स बनाए जाएंगे और अभी एक नज़ारा हम लेंगे ऊपर से। ये देखिए लिखा हुआ यहाँ पर, सावधान, रेल कार्य प्रगति पर है, अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। और चलते हैं ब्रिज के पास थोड़ा सा, अभी एक नज़ारा यहाँ से ले लीजिए। वो देखिए फ्रेट ट्रेन से यहाँ खड़ी हुई हैं जो मालगाड़ियाँ आती हैं। और ये देखिए यहाँ पर कुछ दुकानें हुआ करती थी पहले, जो यमुनानगर के लोग हैं उन्हें पता होगा। और ये नज़ारा ऊपर से ब्रिज से, और ये रही ड्रिलिंग रिग मशीन। मेरे बाएं तरफ यदि आप देखें तो अम्बाला कैंट जंक्शन की दिशा है, फिर वहाँ से लुधियाना से ये DFC आएगा और इधर सहारनपुर की ओर जाएगा। असल में DFC जो होगा टोटल 1839 किलोमीटर का होगा, 1839 किलोमीटर्स। और ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और फिर वेस्ट बंगाल तक जाएगा, लुधियाना से दाकुनी जो कि वेस्ट बंगाल में है। और सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है इसका वो उत्तर प्रदेश में होगा, 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा DFC जो है UP में रहेगा और लगभग 400 किलोमीटर लुधियाना से खुर्जा तक ये सिंगल ट्रैक रहेगा, 400 किलोमीटर। उसके बाद ये डबल ट्रैक रहेगा क्योंकि स्पेस नहीं था इसलिए सिंगल रहेगा।